होता है यहाँ पे, तो सोना चांदी बाहर होता है, तो ये ढूंढ रहे हैं ये लोग, सब ढूंढ रहे हैं। तो गाइज ये पुराने उज्जैन है, और जब यहाँ उथल पुथल हुई थी, विक्रमादित्य वगैरह जो राजा थे बहुत पुराने, वो सामने काल भैरव मंदिर है। तो ये नदी कौन सी? शिप्रा नदी। वही है, वही भाई साहब ले जा रहे हैं हमें श्री महाकाल। क्या नाम है भैया? संतोष भाटिया। संतोष भाटिया है, इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। घाट से हम वापस निकल चुके हैं अगले मंदिर की, और मंदिर अगला कौन सा है भैया? काल भैरव के मंदिर जा रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फ्लट हो गई थी तो यहाँ पे क्या राजा महाराजा लोग रहते थे, सब विक्रम मंदिर थे वगैरह, बड़ा बड़ा राजा रहते लोग रहते थे। तो जब भी पानी गिरता है यहाँ पे तो सोना चांदी बाहर होता है, तो ये ढूंढ रहे हैं ये लोग, सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा हाँ, वो खेत में ढूंढ रहे हैं जो हाँ। उधर खेतों में ढूंढ रहे हैं ना, निकलता क्या निकलते टुकड़े फुकड़े उन सब मिलते हैं हाँ। कैसे बारिश बारिश आती है तब? जब क्या रहता है कि जो मिट्टी जम जाती है वो कट जाती है पानी से हाँ, तो ऊपर आ जाता है हाँ हाँ। कुकड़े कुकड़े है, सोना है, चांदी है, नाक के काटे फाटे हाँ। ये चीजें अच्छा अच्छा नहीं, ये तो जो सोना चांदी वाले जो रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा रहता है वो खेतों में ढूंढ रहे उधर। ये पुरानी उज्जैन पूरी, जैसे मतलब बोले तो डायमंड है, अंगूठी का वो है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो गाइस ये पुराने उज्जैन है, और जब यहाँ उथल पुथल हुई थी, विक्रमादित्य वगैरह जो राजा थे बहुत पुराने, तब पृथ्वी में उलट पुलट हुई, तो उज्जैन नगरी यहाँ से विस्थापित होके वहाँ चली गई जहाँ आपने पहले मंदिर देखा था। तो जब भी पानी का पानी बहता है, मिट्टी जब वो होती है गीली होती है ना, तब ये सोना चांदी निकल के बाहर आता है। इन खेतों में भी होगा फिर तो, पूरी पूरी जगह है ना। चलो काल भैरव मंदिर आ गया, वो सामने काल भैरव मंदिर है, यहाँ पे दारू प्रसाद नारियल वगैरह चढ़ता है, प्लस में दारू बाबा के गगरे में डलती है। अभी लॉकडाउन बाद पहले क्या होता था कि बाबा को तुरंत पिलाया जाता था, अब क्या है कि आरती के समय पिलाया जाता है। अच्छा, अब क्या है कोरोना बाद बहुत सख्ती हो गई है, तो मौसम में लाने के बाद कच्ची दारू है तो शाम तक एक साथ में 9:30 बजे आरती तक की सभी दारू पिलाई जाती है। दारू पिलाने के बाद क्या हवाई में डालते हैं, जैसे दारू बजती है तो अपने दाल कष्ट वगैरह सब करते हैं। अच्छा, वो जो धुआं निकल रहा है वो हवन है वहाँ पे। अच्छा, हवन हो रहा होगा, हवन होता ही रहता है 12 महीना 12 ही। ये नदी कौन सी? ये शिप्रा नदी। वही है, वही नदी। काल भैरव मंदिर बाबू साइड में बस चलना लगे। Bye.
था।